साथ में नाराज भी हो रही हूँ क्योंकि कोई खाने के लिए राजी नहीं है। अच्छा भाई नखरे देख लो कुड़ी दे खोखो लेके 4 बजे हाँ 4, 5 या 4 हाँ मतलब और दो भी चले जाओ वैसे भी जब भी गए ना किसी किसी को लेके गए हाँ तो अभी इनकी दादो को लेके जाना है। पेपर कब है निशा? अभी दूर है। दूर है ट्रस्ट आता है उसमें है यार मतलब देखते हैं उसको। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए। तो आज जो है वो अम्मी का दिल चाह रहा था कि नाश्ता बनाओ तो अम्मी नीचे बना रही है नाश्ता। तो चलते हैं नीचे और देखते हैं आज कौन सा स्पेशल जो है वो नाश्ता हमारे लिए बन रहा है। तो अम्मी बना रही है आलू के पराठे और साथ में नाराज भी हो रही हूँ क्योंकि कोई खाने के लिए राजी नहीं है। मैंने अकेली नहीं खाने हैं नहीं इंद्रियास ते खांदा है मैं ते वैसे ही नहीं खा रही आजकल। वो भी खांदा अज खरेकी हो जा तू अब्बू खा लेंगे तुसी बनाओ 4 बनाओ ज्यादा नहीं। और यहाँ पे ग्रीन टी फुफो की और चाय हमारी बनाओ बनाओ मजे का मसाला ते बड़ा मजे का बनया है एना मैं ते रो बना दे टिकिया हां बच्चे कबाब खा लेंगे वो बनाओ सही और मैं खाऊंगी ब्रेड पापे। तो आलू के पराठे जो है वो गर्मा गर्म रेडी हो रहे हैं और मैं टेबल पे लगाती जा रही हूँ। साथ में मैंने ये रायता बनाया है चटनी जो पुदीने की चटनी होती है ना उसको टमाटर प्याज डाल के चटनी बनाई थी उसमें दही डाल दी है। अच्छे लग तो वीनू रेडी हो गई और वीनू आज शलवार कमीज में जा रही है बहुत प्यारी शलवार कमीज में। हाँ अब मैं सारे अपने निकाल देती हूँ सारे छोटे करा लो दादो से ठीक है मशीन नीचे भेज देते हैं। हाँ मेरा ही सी लास्ट उस पे पहना था खजूरों के इतवार पे है ना 2 साल पुराना है ये ले ले बहुत मजे का खा के दादा तेरी ने बनाया बड़े मजे का बना। पेट्रोल के पैसे मेरे पास पेट्रोल के पास है वो डलवा लेना आज उससे। चलो मैं बुक के देती हूँ इधर तो आ। अच्छा भाई नखरे देख लो कुड़ी दे। तो शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सोच रही हूँ कि भिंडी पका लूँ क्योंकि काट के रखी हुई है तो मैं कह रही हूँ यही आज जो है पका लेते हैं। बच्चे तो नहीं खाएंगे बच्चों के लिए देखती हूँ कुछ और करती हूँ। बड़ों के लिए भिंडी ठीक है क्योंकि मैं इनके पापा को भी भिंडी बहुत पसंद है और फूफो जो आई हुई ना उनको भी भिंडी बहुत पसंद है तो मैंने कहा चलो आज भिंडी ही पका लेते हैं। तो भिंडी हमारी रेडी हो गई है। कच्चा कच्चा मैंने प्याज रखा है यानी कि ब्राउन नहीं किया है और भिंडी जो मैंने अलग से फ्राई नहीं की बीच में ही पकाई है। तो खाना हमने खा लिया है भिंडी बनी थी और पालक बनी हुई थी बड़ों ने सब ने खा लिया है बट बच्चे जो है ना वो नहीं खा रहे उनके लिए मैं बना रही हूँ स्पैगेटी और अम्मी तैयारी कर रही है। सुबह जाना है हम लोगों ने किधर CVU आई सुबह सुबह आई हाई फुफो को लेके 4 बजे हाँ 4, 5 या 4 हाँ मतलब सूरज निकलने से पहले हो ही नहीं सकता था। हाँ सच में नहीं हो सकता। और इनके पापा के लिए बन रही है चाय और यहाँ पे ये इनके लिए बना रोमी पालक इतनी मजे की बनी है इतनी मजे की अभी लेकिन नहीं खाऊंगा ये कर रही है एग भी डालूंगी और ये ठीक है सुबह के लिए एक्साइटेड हो जाने के लिए नहीं यार मजा आएगा। फिर उसके बाद हमने ना अम्मी आलू के पराठे बनाएंगी कुछ वहां से लेंगे चाय भी घर से बना के लेके जाएंगे वहां दरी वरी बिछाएंगे और फिर वहां पे खाएंगे खूब मजा करेंगे। कल संडे है रोजा भी नहीं तो है मासो लोगों है ना हां मासो लोगों को बुलाना पता नहीं हां अबे ज्यादा लोग होंगे चलो कॉल करते हैं ठीक है। तो स्पैगेटी हमारी बन गई है भाई मेरा साथ जो है ना वो ये ज़रूर होता है कि मैं चाहे कुछ भी बना लूं बच्चों के लिए अलग से बनाना पड़ता है खा भी लेते हैं। अभी निशा ने पालक और भिंडी खाई है लेकिन फिर भी कह रहे थे कि नहीं भाई हमें तो कुछ और भी चाहिए। तो यहाँ पे इनके पापा के लिए जो है वो चाय भी बन रही है और स्पैगेटी भी रेडी हो गई है बस वीनू भी एक्साइटेड हो रही है सुन के कि हम लोग सुबह जा रहे हैं CVU क्योंकि इतने टाइम बाद हम बल्कि जो कराची में लोग रहते हैं वो तो जाते ही नहीं है। हम कहते खैर है कदों भी चले जावा वैसे भी जब भी गए ना किसी किसी को लेके गए हाँ
तो अभी इनकी दादों को लेके जाना है जो पंजाब से आई है। चाय इतनी मजे की बनी है ना, देख शक्ल कैसी है। पीनी है, पीनी है तो बताओ। ये दादा तुम्हारा कम पीता है, मैं कम कर देती हूँ। निशा कैसी बनी है? मजे की। निशा कर रही पढ़ाई। पेपर कब है निशा? अभी दूर है। दूर है, इतने भी नहीं। तो फिर जाओगी सुबह? पढ़ाई करना ना उठ के। है नहीं भाई, क्या हो गया? काफी टाइम बाद तो जाना है ना। यप। हाँ मीनू, मीनू कोकिला का कौन सा देख रही है? इतनी देखती है कोकिला को, गोपी बहू को। क्या इंटरेस्ट आता उसमें? है यार, मतलब देखते हैं उसको। फिर वो एडिक्ट हो जाता है, बंदा बोलता है देखते ही रहे। पर वो दोनों कहाँ है, रोमी और वो? गरम गरम में खा ले ना, फिर वो हो जाएगी। चाय मजे की बनी है ना? यप। मैंने इलायची डाली है, ये देख मेरी चाय, मतलब सब में ही डाली है। है क्या, सही चल रहा है अभी? खा ले, आ जा देख मजे की। तानू ने वैसे रोटी भी खाई थी, मैंने उसको मक्खन लगा के दिया। नहीं वैसे ही उसके लग रहे हैं, गल्ला कर कार गल कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी हमें जो है वो सोना चाहिए, क्योंकि फिर जो है वो सुबह 5 बजे हमें जो है ना वो उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो फिर जागते रहें या फिर जो है वो भी सो जाए, क्योंकि 1 तो बजने वाला हो गया है। तो अभी हम लोग सोएंगे और सुबह के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग इस टाइम पे, वैसे तो सी वी यू जाते ही रहते हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस टाइम पे जो है हम लोग जाएंगे। और वैसे भी सी वी यू भी गए हुए हमें बहुत टाइम। वो कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ होती है उसको उसकी कदर नहीं होती। तो हमारे पास जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना, तभी हम उनको लेके जाते हैं और हम खुद भी जाते हैं। स्पेशली हम खुद कभी भी नहीं गए, तो इस बार जो है वो फूफो को लेके जा रहे हैं। तो कल का व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।